हेलो, देवी प्रसाद घर पर है? अभी 10 मिनट पहले ही चल बसे। कॉमेडियन मूवी का नाम लेते ही सबसे पहला नाम अक्षय कुमार का आता है, और फिर जब बात इनकी हेरा फेरी मूवी की होती है तो भला कोई हंसे बिना कैसे रह सकता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है इस मूवी की शूटिंग कैसे हुई थी? अगर नहीं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हेरा फेरी मूवी के कुछ जबरदस्त बिहाइंड द सीन्स। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं हेरा फेरी मूवी के सुपरहिट और फेमस डायलॉग की। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ परेश रावल द्वारा कहे गए उन शब्दों की, उठा ले रे बाबा, जो मूवी के रिलीज होते ही हर जुबान पर चढ़ गया था। लेकिन क्या आपको पता है ये डायलॉग मूवी के स्क्रिप्ट में था ही नहीं, ये तो इन्होंने ऐसे ही अपने मन से बोल दिया था। लेकिन ये इतना हिट हो जाएगा इसको कोई नहीं जानता था। अब बात कर लेते हैं उस सीन की जब राजू एक किराने की दुकान पर जाकर सामान खरीदता है। दरअसल जब डायरेक्टर साहब इस सीन को शूट करवाने के लिए टीम के साथ यहाँ आते हैं तो दुकान पर कोई भी नहीं था। लेकिन अगर ऐसे अकेले में शूटिंग करते तो वो ज्यादा अच्छी नहीं लगती, इसलिए उन्होंने आसपास के लोगों को वहाँ पर खड़ा किया। आप दुकान पर जो कस्टमर देख रहे हैं ना, उनमें से कुछ रियल है बल्कि कुछ को बुलाया गया था। वैसे सीन की शूटिंग कैसे हुई थी उसे आप बिहाइंड द सीन में देख सकते हैं। हेरा फेरी मूवी का सबसे इंटरेस्टिंग सीन तो आपने जरूर देखा होगा जब बाबू राय सब्जी वाले की दुकान पर बैठकर अक्षय कुमार का वेट करते हैं। लेकिन जब वे सब्जी लेने आते हैं तो उसे डांट फटकार कर भगा देते हैं। वैसे तो इस सीन में परेश रावल और अक्षय कुमार की फनी कन्वर्सेशन दिखाई गई है, लेकिन क्या आपको पता है इस छोटे से सीन को शूट करने के लिए कितनी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी थी? अगर नहीं तो जरा स्क्रीन पर देखिए। इस सीन को शूट करने के लिए चारों तरफ व्हाइट स्क्रीन लगाई गई थी ताकि सनलाइट को अवॉइड किया जा सके। इन दोनों के डायलॉग थोड़े ज्यादा लंबे थे जिसे शूट करने के लिए बार बार रिटेक लेना पड़ा। लेकिन फाइनली 4-5 रिटेक के बाद जब ये सीन बना तो सबको खूब पसंद आया। अगर बात करें इस मूवी के सुपरहिट सॉन्ग की तो वो ये वाला सॉन्ग था। इस गाने को कैसे शूट किया गया था वो तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये मूवी 2000 में रिलीज हुई थी और इसे पूरे 24 साल हो गए हैं। लेकिन लोगों के दिमाग में इसकी जो इमेज है वो आज भी बरकरार है और ऑडियंस आज भी इस मूवी को उतने ही प्यार से देखते हैं जितना पुराने समय में देखते थे। अब ये मूवी है ही इतनी फनी, इससे मन ही नहीं भरता। अगर बात करें इस मूवी में नजर आए मुख्य किरदारों की तो उसमें अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल जैसे चेहरे दिखे थे। मूवी में जहां अक्षय और सुनील ने काफी ड्रामेबाजी की है वहीं परेश रावल की बातों ने इसमें 4 चांद लगा दिए हैं। उनका कहा हुआ एक एक बोल बाद में इतना सुपरहिट हुआ जो किसी ने कभी सोचा ही नहीं था। अगर आप इस मूवी में सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार की जगह दूसरे हीरो को गेस्ट करोगे तो आपको कैसे लगेगा? क्या वो भी इतनी अच्छी कॉमेडी कर पाते जितनी इन दोनों ने की है? लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि शुरुआत में डायरेक्टर साहब ने इस मूवी के लिए शाहरुख खान और अनिल कपूर को ऑफर दिया था, लेकिन इन दोनों ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। इसके बाद राजू के किरदार के लिए उन्होंने गोविंदा को मूवी में लेने की सोची, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। फाइनली हमारे अक्षय कुमार राजू के किरदार के लिए राजी हुए और ये मूवी बनी। इस मूवी को केवल 45 दिन में शूट कर लिया गया था। इसके साथ ही ये सबसे कम टाइम में शूट होने वाली मूवी बन गई थी। स्क्रिप्ट बनने के बाद मूवी के टाइटल की बात आई तो अक्षय कुमार ने इसका नाम हेरा फेरी सजेस्ट किया। वे जब हैदराबाद में शूटिंग कर रहे थे तब उनके सामने ये वर्ड आया और उन्होंने सोच लिया कि इस मूवी के लिए ये टाइटल बेस्ट रहेगा। वैसे कि आपको पता है हिंदी लैंग्वेज में सुपरहिट होने वाली ये मूवी मलयालम का डब्ड फॉर्म है। जी हाँ, इस मूवी को डायरेक्ट किया है बॉलीवुड इंडस्ट्री के मशहूर और जाने माने डायरेक्टर प्रियदर्शन जी ने। दरअसल इस कॉमेडी मूवी को बनाने का आइडिया उन्हें मलयालम मूवी रामजी राय स्पीकिंग से मिला था और ये उसी का रीमेक है जिसे हिंदी में रिलीज किया गया। वैसे आपको इस मूवी का कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया कमेंट करके बताइएगा जरूर। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।